पहले वाली नहा की और बता दो मुझे आज जो मैं कहूँ बस वही की बताती हुए रही बंबई में मैं हूँ। सुनो ध्यान से, रियासत के लोग क्या कहेंगे, वो देखो ठाकुर रणवीर सिंह का बेटा जा रहा है, वो ये नहीं कहेगा कि ठाकुर तुम्हारे हाथ में बाद में बाबू अमर सिंह कहेगा। तुम्हारे कहने का मतलब कि हमारे भाई की दूसरी शादी होगी और दूसरी पत्नी आएगी, जी हाँ, तो उससे औलाद होगा, वो माधवपुर गांव का मालिक बनेगा, जी हाँ, और बाप बेटे जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो हवेली से बाहर कर देंगे, जी हाँ, यही कहना चाहते हो ना? हाँ, हवेली से बाहर कर देंगे, हाँ, और बाद में आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कटोरा, कटोरा, आप ऊंच गांव के सड़क पर चले जाएंगे, तो कैसे कहेंगे? अरे दो दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, दो दाता के नाम तुझको, मतलब मैं भिखारी हो जाऊंगा और बाप बेटे हवेली के मालिक बन जाएंगे ना? तो साफ जब हवेली रियासत उसके नाम हो जाएगी तो आपका इसमें रही क्या जाएगा? चाचा सिंह कहिए, ठीक कहते हो, कौन किसका भाई और कौन किसका बाप? ठाकुर साहब, हाँ, मैंने कहा कि जमाना बदल चुका है, कैसे? दुनिया अपने अपने मतलब के लिए है, ठीक है, भाई भाई में बना प्यार मतलब भी देखो, अच्छा, बाप बेटे में बना प्यार मतलब भी देखो, मियाँ बीबी में बना प्यार मतलब भी देखो, कहाँ तक बताऊँ रिश्तेदार मतलब भी देखो, ये सारा संसार सिर्फ अपने अपने मतलब के लिए है, ठीक कहते हो चेतन सिंह, कहिए, अगर ये बात है तो ना जाने कौन सी लड़की है, मैंने तो नहीं पूछा, जी हाँ, आने दो रघुवीर सिंह को, हमें उसके आने का इंतजार है, हम ये शादी होने नहीं देंगे, ठाकुर साहब हम भी यही चाहते हैं, ठीक है, चलता हूँ, अब हमें रघुवीर सिंह जाने का इंतजार है, ठीक है, ठाकुर साहब शादी रुकवा देंगे, ठीक है, जैसे रघुवीर सिंह आएगा हमें बताइएगा, हाँ भाइयों, शोर पर गौर फरमाइए, ठाकुर कंदा सिंह, ठाकुर जसपाल सिंह के दिमाग में ऐसा कीड़ा भर दिया कि वो रेंग रेंग कर देखो भाई को नफरत की दुनिया में बदल दे रहा है, और देखिए वो अपना बदला चुकाना चाहता है, क्योंकि ठाकुर जसपाल सिंह ने ठाकुर जनता सिंह के बाप को गोली मार दिया था, और तब से ठाकुर जनता सिंह दिल में यही सोच रहा है कि कब अपने बाप का बदला चुका हूँ। सीन पर गौर फरमाइए, मैं बुलाल और रामदेव, देखा तुमने, अब छोटे ठाकुर की शादी नहीं होगी, नहीं होगी, मैं कुलाल, मैं काफी दिनों से अपने दिल में बदले की याद की भावना लिए कह रहा हूँ। जिस समय हमारी उम्र 8 साल की थी, ठाकुर यशवंत सिंह के पिताजी ने हमारी राज रियासत हड़पने के लिए मेरे पिताजी को गोद मार दिया। ये तो बात सही है, मैं अनाथ हो गया था, इधर उधर तर पतर की ठोकरें खा रहा था, और जब कुछ सयाना हुआ तो मैं हवेली में आना जाना शुरू कर दिया, ठाकुर यशपाल सिंह से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और इतनी घनी दोस्ती हो गई कि ठाकुर साहब पकड़ पूछे पूछे हुए कोई कदम नहीं उठाता। ये तो बात सही कहे, और दिल में यही अरमान है, जब तक मैं दोनों भाइयों को वापस में लड़ा कर मार नहीं डालूंगा, मैं चाय से नहीं बैठूंगा, जैसे मेरे पिताजी को गोली मारा है उसी तरह मौका पाते ही गोली मैं मारूंगा। लंबरदार, बोल, गिट्टी तो बढ़िया पीसे हो, अब ये दो भाई आपस में लड़ गए हैं, और मैं रात दिन यही सोचता हूँ कि मरूंगा
ठाकुर ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी करूंगा रात में जमकर यही तरकीब सोच। बिल्कुल सही काम की हो। साले ज्यादा बोलोगे तो पीछे से टांग दूंगा तुझे। बुद्धि बढ़िया लगा बुद्धि। और सुन, अगर ये हमारी बात किसी से कहा याद रखना। ना 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 तो हर बात हम क्यों उसके हम ना बताए भले दिल के। लेकिन बाबू बोल जान लियो कि बलदेव दास बाबा के स्थान पे आवा है। अच्छा, जे इधर के उधर करत है हां 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 यार बाबा जी हमें अच्छी तरह जानते हैं समझे। वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। ये बाबा के साथ वही क्या है नहीं तो हर बच्चे माना थी बाबा। बाबा जी हमारी बात क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि मैं बाबा जी का बेटा हूँ और उन्हीं के सहारे मैं भी इधर उधर करता हूँ। चलिए अब हम बाबा जी के आश्रम होकर आज चलेंगे। बाबू का गोली आए गिर गए ले जाए बंदूक से। ये सार दुखी में नहीं है या से हमेशा सतर्क रहे। सार झगड़ा लगावे जात है अब भिनसारे तक्का ये इतना पाप कर जा रहे सार कि एकदम धरती थर्राई है। ये सार सोच है कि तेरी जल्दी दोनों भाई में लड़ाई हो जाए। कोई मैं लिहाज अरे जब हम छोटा सार हो गए और भैया धानों को चरत हो गए न जाने हम कितना का नुकसान करेंगे खेती नाश करेंगे। तमाशे पे ध्यान दीजिए। इधर जगदा सिंह ठाकुर जसपाल सिंह व रघुवीर सिंह को लड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। उधर ठकुराइन शीला वही पुत्र की शोक में कि मेरी शादी को 12 वर्ष हो गए लेकिन भगवान ने कोई औलाद नहीं दिया यही सोच में अपने कमरे में बैठी हैं। उधर ठाकुर रघुवीर सिंह ठकुराइन शीला से मुलाकात करने के लिए ठकुराइन शीला के कमरे की तरफ आ रहे हैं। मेरे स्वामी जब आते हैं वो उदास रहते हैं। शादी के 12 वर्ष हो गए आज तक मुझे याद नहीं। मैं भी यही रात सोचती रहती कि ये ईश्वर मुझे कोई औलाद दे दे ताकि इस माधवपुर रियासत का चिराग बन जाए। अरे बातारी मैं चांदवा चमकी है कि नहीं
हमारे ये दीरा हमारे ये दीरा बहुरी है कि नहीं हमारे ये सुनो, ये तुम्हारी आंखों में आंसू किस लिए क्यों रो रहे हो तुम? मैं सोच रही हूँ मेरी शादी को 12 वर्ष हो गए और मेरे कोई औलाद नहीं। मैं सोचती हूँ आप कोई दूसरी शादी कर ली। ठकुराइन शीला, जब तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम दूसरी शादी को कहती हो और जब भैया के पास जाता हूँ तो वो भी ये कहते हैं। वैसे आप दोनों के कहने से मैंने एक सपना नाम की लड़की से प्यार किया है और यही बताने के लिए तुम आया हूँ, बाकी तुम्हारे मन में कोई काम ना रहे। लेकिन शादी करने के बाद मुझे भूल मत जाना, थोड़ी सी जगह देना, मैं उसे ठकुराए ना। कैसी बात कर रही हो तुम? तुम मेरी प्यारी पत्नी हो और सपना से प्यार करना मेरी मजबूरी है। सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। शादी अपनी और दूसरी करो साथ से शादी जाना नहीं। अरे मैं भी कहती कि दूसरी ये साथ कहती कि दूसरी ये साथ करके मुझे भूल जा।
लड़की जो अपने मुंह से अपने पति को कह रही है कि दूसरे की शादी करो, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारी एक मजबूरी है, नहीं तो कोई नहीं चाहता। सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है औरत, लेकिन पति के प्यार का बंटवारा नहीं बर्दाश्त कर सकती। इसलिए तुम किसी बात की चिंता मत करो, जिस प्रकार सपना रहेगी उससे भी ज्यादा तुमसे प्यार करूंगा मैं।